नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में पशुपालन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान में पशुपालन। तो राजस्थान की प्राकृतिक परिस्थितियाँ जहाँ एक और कृषि के लिए अपेक्षाकृत प्रतिकूल रही है, वहीं पशुपालन के लिए अनुकूल है। तो राजस्थान में जितनी भी प्राकृतिक परिस्थितियां पाई जाती है वो कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए अनुकूल है। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन मुख्य व्यवसाय रहा है और आज भी आजीविका का प्रमुख साधन है। तो पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो आजीविका का जो प्रमुख साधन है वो पशुपालन ही रहा है। पशुपालन का प्रारंभिक स्वरूप निर्वाह अर्थात स्वयं के परिवार के पालन हेतु रहा है और यह स्वरूप आज भी अधिकांशतः व्याप्त है। तो प्रारंभ में जो पशुपालन का जो स्वरूप था वो था सिर्फ स्वयं के परिवार के पालन हेतु रहा है और अधिकांशतः ये आज भी कहीं कहीं हमें दिखाई देता है, किंतु विगत दशकों में इसका व्यापारिक स्वरूप उभर कर आया है और वर्तमान में पशुपालन का व्यापारिक स्वरूप महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन कुछ सालों से या कुछ दशकों से यदि बात की जाए तो पशुपालन का जो व्यापारिक स्वरूप है वो हमें दिखाई देने लगा है और इसका जो व्यापारिक स्वरूप है वो महत्वपूर्ण हो गया है। इसका प्रमुख कारण है पशुओं से प्राप्त पदार्थ जैसे दूध, मांस, ऊन आदि की मांग दिन प्रतिदिन अधिक होती जा रही है। विशेषकर दुग्ध पदार्थों की मांग में वृद्धि से डेयरी उद्योग में प्रगति हो रही है। तो जो व्यापारिक स्वरूप हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसका कारण है कि पशुओं से जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं जैसे दूध, मांस, ऊन, उनकी मांग जो है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि राज्य में पशुपालन का विशेष महत्व है, उसका क्या कारण है। नंबर वन है पशुपालन शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में आजीविका का प्रमुख साधन रहा है। नंबर टू, यह कृषि कार्य के साथ गौण उद्यम के रूप में भी किया जा सकता है, यानी कृषि कार्य के साथ साथ भी इसको किया जा सकता है। नंबर थ्री है कृषि कार्यों में पशुधन का उपयोग होता है, विशेषकर छोटे किसानों द्वारा इनका अधिकतम उपयोग रहता है। तो कृषि कार्य में भी पशुओं का उपयोग होता है और छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास मशीनें नहीं होती वो अपने खेती के सारे कार्य जो हैं पशुओं के द्वारा ही करते हैं। नंबर फोर है डेयरी उद्योग के विकास से दूध देने वाले पशुओं का पालन अधिक होने लगा है क्योंकि ये आय का उत्तम साधन है। तो जैसे जैसे डेयरी उद्योग का विकास हुआ है जो दूध देने वाले पशु हैं उनका महत्व बढ़ गया है। नंबर फाइव है राज्य की जलवायु भेड़ व बकरी पालन हेतु उपयुक्त होने से यहाँ भेड़ पालन अधिक होता है तथा इनके मांस तथा ऊन द्वारा पर्याप्त आय होती है। तो राजस्थान में क्या है बकरी और भेड़ का पालन अधिक किया जाता है, उसका कारण है यहाँ की जलवायु इनके लिए उपयुक्त है और इनसे प्राप्त जो मांस और ऊन है उससे पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त हो जाती है। भारवाहक के रूप में पशुओं का प्रचलन है, विशेषकर राजस्थान में ऊंट का प्रयोग होता है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक उपयोगी है। तो जो ऊंट है उसका उपयोग भारवाहक यानी भार को इधर से उधर ले जाने के लिए काम में लिया जाता है जो मरुस्थलीय प्रदेश में उपयोगी है। नंबर सात है पशुओं से चमड़ा व खाले प्राप्त होती है जिन पर चर्म उद्योग विशेषकर जूते बनाने का उद्यम विकसित हुआ है। तो जो खाल और चमड़ा प्राप्त होती है उस पर जूते बनाने का जो उद्योग है वो विकसित हुआ है। राजस्थान में पशुपालन द्वारा शुद्ध घरेलू आय का 15% प्राप्त होता है। राजस्थान भारत में उत्पादित दूध का 10%, इसी प्रकार ऊन के उत्पादन का 40% और मांस के उत्पादन का लगभग 30% योगदान करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दूध, ऊन और मांस के उत्पादन में राजस्थान के पशुओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में पशुओं का वितरण असमान है, यद्यपि राज्य में सभी जिलों में पशु पर्याप्त है
लेकिन पशुओं की संख्या पश्चिमी राजस्थान में अधिक है। उसका कारण है कि वहां के लोगों के लिए जो पशुपालन है वो अनुकूल है, इसलिए वो अधिक से अधिक मात्रा में पशुओं का पालन करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं पशुओं के प्रकार एवं नस्ल, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गोवंश के बारे में। गोवंश अर्थात गाय बैल का पशुधन में विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये दूध के साथ साथ कृषि कार्यों एवं भार वहन हेतु भी प्रयुक्त होते हैं। तो दूध के लिए इनका उपयोग किया जाता है, कृषि में इनका उपयोग किया जाता है और भार वहन में भी इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। राज्य के सभी जिलों में गोवंश हैं। राज्य में गोवंश की जो प्रमुख नस्लें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है नागौरी। नागौरी वंश की उत्पत्ति का क्षेत्र नागौर जिले का सोहालक ग्राम है। इस नस्ल की गायें दूध कम देती हैं, लेकिन बैल चुस्त एवं फुर्तीले होने के साथ साथ हल में चलने के लिए भी प्रसिद्ध है। इस नस्ल की गाय एवं बैल नागौर जिले में ही अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है नागौरी। दूसरी प्रकार की नस्ल है थार पारकर। इस वंश की उत्पत्ति का स्थान बाड़मेर का मालानी प्रदेश है। इस नस्ल की गाय दुधारू और बैल परिश्रमी होते हैं। यह बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में अधिक मिलती है। तीसरी प्रकार की नस्ल है कांकरेज। यह वंश बाड़मेर, पाली और जालौर जिले के सांचौर तथा बेनाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। तेज चलने और बोझा ढोने की क्षमता के कारण इस वंश की गाय एवं बैल बहुत पसंद किए जाते हैं। चौथी प्रकार की नस्ल है मालवी। इस वंश की उत्पत्ति राजस्थान झालावाड़ का मालव प्रदेश है। यह वंश भारवाहक पशु के रूप में प्रसिद्ध है, यानी बाहर भार जो है वो ये पशु ज्यादा ले जा सकते हैं। इस वंश की दो प्रजातियां हैं, बड़ी मालवी और छोटी मालवी। बड़ी मालवी झालावाड़ जिले में तथा छोटी मालवी कोटा और उदयपुर जिलों में मिलती है। पांचवी नस्ल है गीर। गीर वंश की गाय दूध के लिए प्रसिद्ध है, यानी दूध के लिए जो प्रसिद्ध है वो है गीर वंश की गाय। इस वंश की गाय अजमेर, भीलवाड़ा और पाली जिले में पाई जाती है, इसे रेडा अजमेरा भी कहते हैं। नंबर छह है मेवाती। मेवाती नस्ल की गाय एवं बैल अलवर जिले के पूर्वी भाग वह भरतपुर जिले में मिलते हैं। शांत एवं शक्तिशाली किस्म का यह पशु हल व बोझा खींचने के लिए अधिक उपयुक्त रहता है। और नंबर सातवीं नस्ल है हरियाणा। इस नस्ल की गाय एवं बैल दूध एवं भार ढोने की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। यह नस्ल गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, अलवर व जयपुर जिले में पाई जाती है। आठवीं प्रकार की नस्ल है राठी। यह नस्ल राज्य में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलती है। इस नस्ल की गायें अधिक दूध देने वाली होती है। इस वंश में साहीवाल, लाल सिंधी व हरियाणा नस्ल का मिश्रण है, किंतु साहीवाल का अंश अधिक होता है। यहाँ हम देख रहे हैं गोवंश को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। तो इस प्रकार से राजस्थान में आठ प्रकार के जो गोवंश है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भैंसों के बारे में। भैंस मुख्यतः दूध देने हेतु पाली जाती है, जबकि भैंसों का उपयोग गाड़ी खींचने एवं कृषि कार्यों में होता है। राजस्थान में मुर्रा नस्ल की भैंस पाली जाती है। तो राजस्थान में अधिकांशतः जो पाली जाने वाली नस्ल है वो है मुर्रा नस्ल। यहाँ आप देख रहे हैं भैंस को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं भेड़ की। तो राजस्थान की जलवायु भेड़ पालन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, विशेषकर शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु इनके लिए उपयुक्त होती है। तो जो भेड़ होती है उसके लिए राजस्थान की जलवायु जो है अधिक उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर भेड़ जो है अधिकांश मात्रा में पाली जाती है। इसी के साथ भेड़ एक ऐसा पशु है जो निम्न स्तरीय वनस्पति पर भी निर्वाह कर लेता है, यानी कम से कम वनस्पति पर भी वो जीवित रह सकती हैं।
राज्य में जो भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं वो निम्न प्रकार हैं। नंबर वन है चोकला, यह नस्ल छापर एवं शेखावाटी के नाम से भी जानी जाती है। यह मुख्यतः चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जयपुर और नागौर में पाई जाती है। इससे वर्ष भर में औसतन प्रति भेड़ 1.4 से 2.3 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। दूसरी प्रकार की नस्ल है मगरा, इसे चक्री एवं बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। यह मुख्यतः बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और चूरू जिलों में मिलती है। इससे प्राप्त ऊन के रेशे लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इस नस्ल के प्रति वर्ष औसतन 1.36 से 2.27 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। इनसे प्राप्त ऊन कालीन बनाने के लिए अच्छी होती है। तो जो मगरा नस्ल की भेड़ है उससे जो ऊन प्राप्त होती है उससे कालीन बनाई जाती है। तीसरी प्रकार की नस्ल है जैसलमेरी, यह नस्ल मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर जिले में पाई जाती है। इसकी मध्यम व सफेद ऊन गलीचा बनाने के लिए उपयुक्त रहती है। चौथी प्रकार की नस्ल है नाली, इस नस्ल की भेड़ अधिक संख्या में गंगानगर, चूरू तथा झुंझुनू जिलों में मिलती है। इसकी ऊन सफेद, मोटी, घनी एवं लंबे रेशे वाली होती है। इन भेड़ों से वर्ष में ऊन का औसत उत्पादन 1.36 से 2.72 किलोग्राम तक होता है। पांचवी प्रकार की नस्ल है पुंगल, यह नस्ल बीकानेर और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। इनसे प्राप्त ऊन सफेद और मध्यम किस्म की होती है। पुंगल नस्ल की भेड़ों से साल में प्रति भेड़ 1 से 2 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। छठी प्रकार की नस्ल है मारवाड़ी, इस नस्ल की भेड़ें मुख्यतः जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, बाड़मेर, अजमेर और उदयपुर जिलों में मिलती है। इन भेड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस भेड़ से औसतन 1.5 से 1.8 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। सातवीं प्रकार की नस्ल है मालपुरा, इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है। यह मुख्यतः जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में पाई जाती है। इस भेड़ से औसतन 0.45 से 1.36 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। आठवीं प्रकार की नस्ल जो पाई जाती है वो है सोनाड़ी अथवा चनोथर। इस नस्ल की भेड़ उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलती है। प्रतिदिन 1 किलोग्राम तक दूध देने वाली इस भेड़ की ऊन का रेशा मोटा होता है। सोनाड़ी भेड़ से ऊन का औसत उत्पादन 0.45 से 1.36 किलोग्राम तक होता है। नौवीं प्रकार की नस्ल जो पाई जाती है उसका नाम है खैरी। यह जोधपुर, नागौर और पाली जिलों के घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाने वाली इस नस्ल की भेड़ की ऊन सफेद और मध्यम किस्म के गलीचों के लिए उपयुक्त होती है। इससे औसतन एक वर्ष में 1 से 1.4 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। इस प्रकार जो राजस्थान में है 9 मुख्य प्रकार की भेड़ों की नस्ल पाई जाती है और यहाँ आप इस स्लाइड पर भेड़ को देख पा रहे हैं फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं बकरियों के बारे में। राजस्थान में के पशुओं में बकरी प्रमुख है क्योंकि ये सामान्य चारे, झाड़ियों आदि से भरण पोषण कर लेती है तथा शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में सहजता से पाली जाती है। तो ये जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश हैं उसमें बकरी जो है वो आराम से पाली जा सकती है क्योंकि ये कम चारे पर अपना निर्वाह कर लेती है। राजस्थान में देश की लगभग 16% बकरियां हैं। राज्य में जमनापुरी एवं बड़वारी नस्ल की बकरियां अधिक पाली जाती है। अन्य बकरियों की नस्ल
पर्वतसर, जखराना, मारवाड़ी एवं सिरोही है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, बकरी को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं ऊंट की। राजस्थान का सर्वाधिक उपयोगी पशु ऊंट को कहा जाए तो यह सत्य होगा। राजस्थान की शुष्क रेतीली धरती पर बिना पानी के हजारों किलोमीटर की निर्बाध यात्रा करने वाला यह पशु राजस्थान के लिए वरदान है। इसी कारण इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। आज भी रेतीले टीलों पर सवारी के रूप में इसका प्रयोग न केवल सामान्य निवासी अपितु सीमा सुरक्षा दल द्वारा भी किया जाता है। इसकी भार ढोने की अधिक क्षमता के कारण ही इसको वर्तमान में ऊंट गाड़ी में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ऊंट जो है वो राजस्थान में सबसे उपयोगी पशु माना जाता है। इसके बाल के कंबल बनते हैं तथा खाल का भी उपयोग होता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं ऊंट को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात करते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले अन्य पशुओं के बारे में। प्रमुख पशुओं के अतिरिक्त राजस्थान में अन्य पशुओं में घोड़े, खच्चर, गधे तथा सुअर पाए जाते हैं। निसंदेह राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं फोटो के माध्यम से घोड़े को, गधे को तथा सुअर को दिखलाया गया है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं बुक रेफरेंस दिखाया गया है। यदि आप इस टॉपिक से संबंधित विस्तृत अध्ययन करना चाहें या राजस्थान का भूगोल से संबंधित किसी भी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है। इसी के साथ यह विषय यहीं समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।